किसी समय की बात है, एक गांव में एक दूध वाली रहती थी। माँ, मैं ये दूध बेचने शहर जा रही हूँ, क्या आपको शहर से कुछ मंगवाना है? नहीं बेटी। अरे हाँ, अगर तुम अपने लिए कुछ लेना चाहती हो तो दूध बेचकर जो पैसे मिले उससे खरीद सकती हो। जी ठीक है माँ। ये दूध बेचकर तो मैं ज्यादा पैसे नहीं कमा सकती हूँ। हाँ, लेकिन अगर मैं, हाँ ठीक है, मैं ऐसा तो कर सकती हूँ। ओह हाँ, मुझे ढेर सारे पैसे कमाने ही होंगे। मैं दूध बेचकर जो पैसे कमाऊंगी उससे मैं भूरा किसान से मुर्गियाँ खरीदूंगी। वो मुर्गियाँ रोज रोज अंडे भी देगी, फिर मैं उन अंडों को बाजार में बेच दूंगी। अंडों से मुझे काफी पैसे मिलेंगे। हाँ, लेकिन जब मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं उनका क्या करूंगी? सोचती हूँ। हाँ बहुत खूब, मैं उनसे अपने लिए एक नई ड्रेस खरीदूंगी और एक नई टोपी खरीदूंगी। जब मैं उन्हें पहनकर बाहर जाऊंगी तो पूरे शहर के लड़के मुझे ही देखेंगे, मेरे पास आकर कहेंगे हेलो कैसी हो, और जवाब में मैं कहूंगी हाय हीरो कैसे हो। बाप रे, लेकिन जब मैं ऐसा करूंगी तब बेचारी पोली का क्या होगा? वो तो मुझसे जलने लगेगी। लेकिन मुझे क्या, मैं तो उसे घूर कर देखूंगी और इस तरह सिर झटक दूंगी। ओ नहीं, मेरी नई ड्रेस और मेरी नई टोपी। मुझे बहुत दुख है कि मैंने सारा दूध गिरा दिया माँ। ओह मेरी बेटी, तुम दूध की जरा भी चिंता मत करो, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखना, जब तक अंडे ना फूट जाएं तब तक चूजे गिनने से कोई फायदा नहीं। तो ये बताओ कि तुम्हें ये कहानी पसंद आई? हाँ, ये बहुत अच्छी थी। लेकिन वायु एक बात बताओ, वो चूजे गिनने वाली बात का क्या मतलब था? नहीं समझे? उसका मतलब ये है कि जब तक कुछ हाथ में हो नहीं तब तक उसके बारे में अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। अब मैं समझा। मैं सोच रहा था कि मेरी पेंटिंग को पहला इनाम मिलेगा, जबकि मैंने पेंटिंग तो पूरी भी नहीं की थी। और तुमने सांडी पर उसे खराब करने का इल्जाम भी लगा दिया। हाँ, मैंने गलत किया। वायु, हमें कहानी बहुत अच्छी लगी। हाँ, तुम्हारी ये कहानी भी बहुत अच्छी थी, मैंने एक सबक भी सीख लिया। थैंक यू वायु। आज के लिए बस इतना ही। अच्छा तो दोस्तों, अब जाने का वक्त हो गया है, हम जल्दी ही फिर मिलेंगे। बाय बाय वायु। बाय बाय दोस्तों।